जिसको शीश गुंबद बोला जाता है, अभी हमने वहाँ पे सामने पढ़ा। लड़की भी बहुत अच्छी खड़ी हुई है वैसे वहाँ पे। तो गाइस अभी तक हमने जो देखा हिस्टोरिकल प्लेस शीश, क्या बोलता है उसको, पीछे का व्यू देख के आप कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम कहाँ आए हैं। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि आज हम लोधी गार्डन आए हैं, और मैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि अंदर क्या है, कैसा है देखने के लिए। सो गाइस चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है। लेट्स गो। सो गाइस अभी हमें एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिखा है अभी, और मैंने वहाँ पे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये कोई मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। अब उसमें ये नहीं लिखा ये कितना पुरानी है, तो मैं आपको ज़रूर बताता। देखते हैं अंदर से कैसी है ये एक बार। वैसे बहुत ही छोटी मस्जिद है ये, और जो इनके दीवारों पे लिखा है उनको आप प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे इसके साथ में ही एक कोई स्टॉम्प टाइप से है, वहां पे एक बार विजिट करते हैं। आइए चार दीवारी बोला जाता है इसको, चार दीवारी। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, आइए चल के देखते हैं ऊपर से क्या हुआ है। पीछे पीछे एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, तो उसका व्यू हम दिखाते हैं आपको। आइए अंदर। वैसे इतना कुछ खास देखने लायक नहीं है, कुछ चेयर्स वगैरह रखी हुई है, शायद कोई रहता है यहाँ पे। सो गार्डन का व्यू देखो आप। सो गाइस अभी आप जो पीछे देख रहे हैं इसको शीश गुंबद बोलते हैं, और लोधी के जो वंशज थे उन्होंने इसका निर्माण जो है 1489 और 1517 के बीच कराया था। अंदर चल के देखते हैं कैसा व्यू है इसका, और जहाँ पे मैंने पीछे बैक साइड पे लिखा हुआ है कि यहाँ इसके अंदर बहुत सारी कब्रें हैं, तो अंदर से व्यू देखते हैं इसका एक बार कैसा है। आइए we'll be right back.
सो गाइस, शीश गुंबद के सामने ये जो आप मेरे पीछे गुंबद देख रहे हो, इसको बड़ा गुंबद बोला जाता है। और अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि इन दोनों की खास बात ये है कि ये दोनों बाहर से जो हैं वो दो मंजिलें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से है नहीं ऐसा। तो चलो आइए अंदर चलते हैं एक बार। गाइज, इस मॉन्यूमेंट को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, बट इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, बाहर कुछ लिखा नहीं था, तो मैं आपको बताता ये कब बना था और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में। बट इसके साथ में जो है वो बड़ा गुंबद, एक बड़ा गुंबद मस्जिद है, उसमें लिखा था कि लोधी जो है अपने अपने टाइम में उस मस्जिद का यूज करते थे, और जो भी है ये तभी बना था। तो आओ एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, आइए। बेस्ट प्लेस है फॉर आउटिंग सभी के लिए, जरूर कपल्स के लिए ऑल्सो एंड फैमिलीज ऑल्सो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि कपल्स के लिए ही है ये प्लेस, बिकॉज गार्डन बहुत ही अच्छा गार्डन है, जिस अकॉर्डिंग इसकी डेकोरेशन वगैरह सब की हुई है, इट्स अ बेस्ट प्लेस। आप अगर अपने फैमिली के साथ आना चाहते हैं, पिकनिक पे आना चाहते हैं, तो वो भी आप आ सकते हो। सो गाइज, शीश गुंबद और बड़ा गुंबद के बाद अभी हमें एक और ये मॉन्यूमेंट मिला है। अब मुझे पता नहीं है क्या है, अभी मैं चलते हुए जा रहा हूँ इसके फ्रंट गेट पे, देखते हैं अगर इसके बारे में कुछ लिखा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और अंदर से भी पूरा दिखाऊंगा ये क्या है और किस टाइप से दिखता है ये। चलते हैं एक बार सर।
सो गाइस अभी जो आपने देखा ये जो मॉन्यूमेंट था ये सिकंदर लोदी का मकबरा है, और अंदर जो आपने कब्र जो देखी जो हमने दिखाई थी आपको वो सिकंदर लोदी की है। और बाकी जो ये प्लेस है, इस प्लेस के मैं बारे में बताऊं तो इट्स फंटेस्टिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। सो गाइस अब हम व्लॉग को यहीं, आज हम व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एक्चुअली मेरे ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं लैग कर रहा हूँ, और अगर आप मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ मैंने आपको गलत बताया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो गुड बाय।